वेलकम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ माई पब्लिश्ड रिसर्च पेपर इन अ रेप्यूटेड जर्नल आइडियल रिसर्च एंड इंटरनेशनल मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल. सो इन दिस पेपर वी विल डिस्कस अबाउट द साइंटिफिक कल्टिवेशन ऑफ बीयर, और यदि कहा जाए तो पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बीयर, और यदि और कहा जाए तो पैकेज एंड प्रैक्टिसेस एंड रीसेंट एडवांसेस इन बेर कल्टीवेशन. तो आपके जो सिलेबस में बेर है, जो बेर का टॉपिक है, तो मेरा प्रयास है कि मैं इस रिसर्च पेपर के माध्यम से ख़त्म करूं. तो इस बेर के टॉपिक में 4 से 5 वीडियो में आपका ये ख़त्म होगा, लेकिन इसमें पूरी बेर की कल्टिवेशन स्ट्रेटजीज़ इंट्रोडक्शन से लेके टिल हार्वेस्ट तक आपको पता होगी. ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप्स, ये आपका टाइटल है. ये आपका 22 लेक्चर है, 22 वीडियो लेक्चर, हॉट 503, कोर्स इंस्ट्रक्टर अंकुर शर्मा, एपी स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बोटेनिकल नेम से. बोटेनिकल नेम यदि इंडियन बेर का देखा जाए तो इंडियन बेर का बोटेनिकल नेम है जिजिफस मॉरिशियाना. चाइनीज बेर का बोटेनिकल नेम है जिजिफस जुजुवी. फैमिली है इसकी रहमनेशी. क्रोमोसोम नंबर, प्लॉयडी क्रोमोसोम नंबर, इसमें 24 पाए जाते हैं डिप्लॉइड्स और 96 पाए जाते हैं ऑक्टाप्लॉइड. टाइप ऑफ फ्रूट है इसका ड्रूप. एडिबल पार्ट है पेरिकार्प. इन्फ्लोरेसेंस फिशकल साइमोज. जो पुष्पक्रम होता है वो फेसिकल साइमोज टाइप का होता है. ग्रोथ कर्व इसका डबल सिग्मोइड होता है. ग्रोथ कर्व डबल सिग्मोइड, ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, ज़्यादा पूछा जाता है. फ्लावरिंग हैबिट इसकी प्लियोन्थिक पैटर्न में होती है. बियरिंग हैबिट, करेंट सीजन बियर करता है, वो भी यंग ग्रोइंग सूट्स पर. तो बियरिंग हैबिट को हम कहेंगे द यंग ग्रोइंग सूट्स ऑफ करेंट सीजन. ब्रांचिंग हैबिट है इसकी सिलेप्टिक पैटर्न पे. प्रोपोगेशन हम सीड वर्डिंग के द्वारा करते हैं, कहीं कहीं रिंग वर्डिंग के द्वारा भी होता है बीर में. प्लेसेंटेशन इसमें बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है. पॉलिनेशन इसका एंटोमोफिलस होता है. ओरिजन जो है वो इंडो चाइना है, सेंट्रल एशिया रीजन में. और मैच्योरिटी इंडेसिस का इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो गोल्डन येलो फ्रूट कलर है. तो ये इसका एक आइडेंटिफिकेशन या इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं बोटेनिकल नेम से लेके मैच्योरिटी इंडेसिस तक. और ये हर हाल में आपको पता होना चाहिए, और इसके पता होने का कारण ये है कि ज़्यादातर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब भी बैठेंगे, चाहे वो नेट हो, चाहे वो GRF हो, चाहे वो SRF हो, हॉर्टिकल्चर की फ्रूट साइंस से रिलेटेड कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होगा, तो उसमें ये सारे पैरामीटर्स आपको हर एक क्रॉप से पूछे जाते हैं, और यही कम्पिटिटिव क्वेश्चंस को बनाते हैं. तो इंट्रोडक्शन के बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, वो है हमारा सिनोनिम्स, कि इसको कौन कौन से सिनोनिम्स से और जानते हैं, किन किन एरियाज में किन सिनोनिम्स से ये परिचित है, और क्या क्या इसमें बोला जाता है. सिनोनिम्स में किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स, पुअर मैन्स फ्रूट, एप्पल ऑफ डेजर्ट, चाइनीज फिग, चाइनीज डेट,
इंडियन प्लम, इंडियन जुजुवी एंड समर डेसिड्यूस फ्रूट के नाम से ये जाना जाता है। ये इसके सिनोनिम्स हैं, मतलब किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स, पुअरमेंस फ्रूट, एप्पल ऑफ डिजर्ट, चाइनीज फिग, चाइनीज डेट, इंडियन प्लम, इंडियन जुजुवी एंड समर डेसिड्यूस फ्रूट। इंट्रोडक्शन की बात यदि हम करें, अब बेर इज अ क्रॉप ऑफ बाइडर एडेप्टेबिलिटी एंड कैन बी कल्टिवेटेड टू डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस इंक्लूडिंग ड्राई एंड इनफर्टाइल सॉइल्स। बेर प्रायः वो क्रॉप है जो किसी भी अनुकूलन क्षमता में अपने आप को सर्वाइव कर लेती है और कैन बी कल्टिवेटेड, उसको कल्टिवेट किया जा सकता है बहुत सी मृदाओं में और बहुत सी जलवायवी अवस्थाओं में। यदि सॉइल चाहे सूखी हो चाहे इनफर्टाइल हो, प्रायः बेर जो है हमारा एरिड प्लांट है, इसको पर्टिकुलरली किसी सॉइल की, पर्टिकुलरली किसी क्लाइमेट की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये किसी भी तरीके से, किसी भी क्लाइमेटल कंडीशंस पर, किसी भी सॉइल के कंडीशंस पे, पीएच बिलो 7 हो या अबव 7 हो, या डाइवर्स सॉइल या क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, एडेप्टेबिलिटी वहाँ की इसके अनुकूल हो या ना हो, ये अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। इसीलिए इसको किंग ऑफ एरिड प्लांट भी कहते हैं। किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स इसीलिए जाना जाता है, ये कैसी अवस्था में अपने आप को सर्वाइव करने की क्षमता रखता है। द इंडियन जुजुवी जिजिफस मॉरिशियाना लेमार्क, लेमार्क एक साइंटिस्ट होते हैं, हुआ करते थे, उन्होंने इस इंडियन जुजुवी की जो स्पीसीज है जिजिफस मॉरिशियाना उसको डेवलप किया, इसलिए उनको ये क्रेडिट मिला। जिजिफस मॉरिशियाना लेमार्क इज़ मोर कॉमन इन ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक रीजन। जो इंडियन जुजुवी है जिजिफस मॉरिशियाना लेमार्क, ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशंस के लिए ज़्यादा अच्छी है। कैन टॉलरेट टेम्परेचर एज अ हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी अपने आप को सर्वाइव कर लेती। अब आप समझ सकते हो कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर की आवश्यकता क्यों नहीं होती। जो जिजिफस मॉरिशियाना इंडियन प्लम है, इंडियन बेर है, ये अपने आप को ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशंस में 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्वाइव करने की क्षमता रखता है, और ऐसी कंडीशंस में भी इसमें लीफ के डेवलपमेंट से लेके फ्लावरिंग से लेके फ्रूटिंग से लेके सारी क्रियाएं संपादित होती हैं 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इट इज विग्रस ग्रोइंग स्प्रीडिंग ट्री हैविंग ऑलमोस्ट वाइन लाइक ड्रूपिंग ब्रांचेस विद डार्क ग्रीन लीव्स विच आर डेंसली टोमेंटोस थिक कवरिंग ऑफ शॉर्ट हेयर ऑन द अंडर सरफेस। विग्रस प्लांट है और जो इसकी हैबिट है वाइन है पूरी तरीके से। स्प्रीडिंग का मतलब फैलना, जो जिजिफस मॉरिशियाना की बात कीजिए, स्प्रेडिंग का मतलब फैनने लाइक, वाइन लाइक ड्रूपिंग ब्रांचेस विद डार्क ग्रीन लीव्स विच आर डेंसली टोमेटोस थिक कवरिंग ऑफ शॉर्ट हेयर। टोमेटोस का मतलब हुआ थिक कवरिंग, पतली कवर के साथ शॉर्ट हेयर, छोटे से बाल, ऑन द सर्फ अंडर सरफेस। द ट्री इज एवरग्रीन, द ट्री इज एवरग्रीन बट sheds leaves ड्यूरिंग समर आफ्टर क्रॉप हैज बीन हार्वेस्टेड। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज फ्लावरिंग अकर्स इन, फ्लावरिंग अकर्स इन ऑटम। फ्लावरिंग है इसमें ऑटम में आती है, सेप्टेंबर अक्टूबर में, एंड द फ्रूट ripens इन विंटर, एंड द फ्रूट ripens इन विंटर और अर्ली स्प्रिंग, मीन्स जनवरी मार्च। जो फ्लावरिंग है वो सेप्टेम्बर अक्टूबर ऑटम सीजन में आती है और फ्रूट पककर तैयार होता है
विंटर सीजन में और अर्ली स्प्रिंग में, जनवरी मार्च में। द चाइनीज़ डेट और चाइनीज़ जुजुबी, जिसको जिजपस जुजुबी मिल बोलते हैं, इंडियन को बोलते हैं जिजपस मॉरिशियाना, इस पर कन्फ्यूज़ मत होना। और जो चाइनीज़ डेट होता है, जो चाइनीज़ जुजुबी होता है, उसको जिजपस जुजुबी मिल बोलते हैं। इज़ अ स्मॉल अपराइट ट्री विद ब्राइट ग्रीन लीव्स विच आर ग्लोवर्स ऑन द अंटर सर्फिस। जो इंडियन जुजुबी होता है जिजपस मॉरिशियाना, उसकी जो हैबिट होती है वो स्प्रीडिंग होती है, फैलने वाली, ठीक है। और जो जिजपस मॉरिशियाना है वो अपराइट, उसका ऊपर को बढ़ने की तरह, अपराइट ट्री, उसकी जो बढ़ने की क्षमता होती है ऊपर की तरह, एक वृक्ष की तरह बढ़ने की होती है, विद हाई ग्रीन लीव्स विच आर ग्लोवर्स ऑन द अंडर सर्फेस। इट इज़ फाउंड इन टेम्परेट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इज़ डेसीडुअस। ये टेम्परेट कंडीशंस में आपको मिलता है, ठीक है, जहाँ टेम्परेचर ब्लो देन 20 समझ लो, ब्लो देन 50 समझ लो, ऐसी कंडीशंस में होता है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशन में ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाता। इट इज़ फाउंड इन टेम्परेट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इज डेसीडुअस सैड लीव्स ड्यूरिंग विंटर एंड स्टार्ट्स वेजिटेटिव ग्रोथ लेट इन द स्प्रिंग टू अवॉइड डेंजर ऑफ फ्रॉस्ट एंड स्टार्ट्स वेजिटेटिव ग्रोथ। अपनी वानस्पतिक वृद्धि को लेट इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स जनवरी मार्च, टू अवॉइड डेंजर ऑफ फ्रॉस्ट, जनवरी मार्च में इसलिए करता है जिसे फ्रॉस्ट का किसी भी तरीके का कोई खतरा ना रहे। इट कैन टॉलरेट टेम्परेचर एज लो एज -20°C। यदि टेम्परेचर -20°C तक है तब भी ये अपने आप को सर्वाइव करने की क्षमता रखता है। जिजपस जुजुबी फ्लॉबरिंग अकर्स जनरली फ्रॉम अप्रैल टू जून। जो फ्लॉबरिंग है वो जनरली अकर्स इसमें होती है अप्रैल टू जून एंड फ्रूट मैच्योर्स इन द ऑटम फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर। एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं इंडियन जुजुबी और चाइनीज़ जुजुबी, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। वहाँ फ्लॉबरिंग अकर्स होती है ऑटम सीजन में, सेप्टेम्बर अक्टूबर में, और फ्रूट कब राइप होता है, जनवरी मार्च में। और यहाँ यदि हम बात करें, और अगर वो कितने टेम्परेचर पर सर्वाइव कर लेता है, 48°C पर अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। लेकिन यदि हम चाइनीज़ जुजुबी की बात करें तो इसके ये -20°C तक अपने आप को सर्वाइव कर ले जाता है। इसमें एक आइडेंटिफिकेशन का एक कारक है। दूसरा ये है कि जो इंडियन जुजुबी है उसकी जो हैबिट होती है ग्रोथ की, वो स्प्रीडिंग टाइप होती है। और चाइनीज़ जुजुबी की बात की जाए, ये अपराइट ट्री, अपराइट ग्रोथ करता है। फ्लॉबरिंग इसमें अप्रैल टू जून होती है और फ्रूट मैच्योर आपका ऑटम में होता है, अगस्त से अक्टूबर तक। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिफरेंस पैदा करते हैं और ज़्यादातर आपके इंटरव्यूज़ में, एग्ज़ाम्स में पूछ भी लिए जाते हैं कि इंडियन जुजुबी और चाइनीज़ जुजुबी में क्या अंतर है, लेमन और लाइम में क्या अंतर है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत कन्फ्यूज कर देती हैं, तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल टिप पर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन द बेर इज सपोज टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, अ रीजन स्ट्रेचिंग फ्रॉम इंडिया जिजपस मॉरिशियाना लेमार्क टू वेस्टर्न चाइना जिजपस जुजुबी मिल। फिर से देखते हैं कि द बेर इज सपोज टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से इसका ओरिजिन है। अ रीजन स्ट्रेचिंग फ्रॉम इंडिया जिजपस मॉरिशियाना लेमार्क टू वेस्टर्न चाइना जिजपस जुजुबी मिल। बेर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रीजन बिटवीन 30°S to 30°N लैटिट्यूड विच इंक्लूड्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सेंट्रल एंड साउथर्न अफ्रीका एंड नॉर्थर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बेर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रीजन्स में है, किसके बिटवीन 30°S and 30°N लैटिट्यूड, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सेंट्रल एंड सदर्न अफ्रीका एंड नॉर्थर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी है, फैलाव भी है।
अब यदि बात की जाए इम्पोर्टेंट एंड यूटिलिटी की, इम्पोर्टेंट एंड यूटिलिटी की बात करें तो बेर इज़ वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिटियस फ्रूट कंटेनिंग गुड अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम फॉस्फोरस एंड आयरन। बेर इज वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिटियस फ्रूट्स कंटेनिंग गुड अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम फॉस्फोरस एंड आयरन। कैल्शियम बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इसमें, फॉस्फोरस भी बहुत पाया जाता है एंड आयरन भी अच्छा खासा मात्रा में पाया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्सेस ऑफ विटामिन सी आफ्टर आमला एंड गुआवा। आमला और गुआवा के बाद विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है आमला। द कंपोजिशनल डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज जुजुबी इच। चाइनीज जुजुबी और इंडियन जुजुबी में क्या मेजर डिफरेंस है, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक तरफ कंस्टिट्यूएंट्स हैं, एक तरफ इंडियन जुजुबी के कैरेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर्स को दिया गया है, एक तरफ चाइनीज जुजुबी है। कंस्टिट्यूएंट्स में हम बात करेंगे मॉइस्चर की। इंडियन जुजुबी में 81% मॉइस्चर होता है, चाइनीज जुजुबी में 75% मॉइस्चर होता है। टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स इंडियन जुजुबी में 13-20% पाए जाते हैं। चाइनीज जुजुबी की बात की जाए तो 25-30% पाए जाते हैं यहाँ पर। यदि हम देखें टोटल सुगर्स की मात्रा तो इंडियन जुजुबी में 8-12% पाया जाता है और चाइनीज जुजुबी में 20-28% पाए जाते हैं। नेक्स्ट यदि हम चलें तो जो एसिडिटी है वो 0-20% पाई जाती है इंडियन जुजुबी में और 0.3-2.0% पाई जाती है चाइनीज जुजुबी में। विटामिन सी की बात करें तो इंडियन जुजुबी में विटामिन सी 70-140 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पाई जाती है, 70-140 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। चाइनीज जुजुबी में 250-500 mg पर 100 ग्राम पाई जाती है, जो कि आंवला और गुआवा को भी क्रॉस कर रही है। इस चीज़ को मेज़र हम नोटिस करेंगे कि आंवला में 299 mg पाई जाती है और गुआवा में 399। लेकिन जब हम चाइनीज़ बेर की बात करें तो विटामिन सी का लेवल कितना बढ़ रहा है, 250-500 mg तक 100 ग्राम में। तो अपने आप में ये इसके जो न्यूट्रिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं शो कर रहे हैं कि इसकी इम्पोर्टेंट एंड क्वालिटी कितनी बढ़िया है। अब हम बात करेंगे द बेर फ्रूट इज ईटन मोस्टली एज फ्रेश फ्रूट बट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर मेकिंग प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स लाइक जैम जेली नेक्टर रेडी टू सर्व। बेर फ्रूट इज ईटन मोस्टली एज अ फ्रेश फ्रूट। ज़्यादातर यदि बात की जाए तो बेर राइप हुआ, उसको हार्वेस्ट किया और हार्वेस्ट करने के बाद हम उसको एज अ फ्रूट टेबल पर्पज़ में ही इस्तेमाल करते हैं। बट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर मेकिंग प्रोसेस्ड प्रोडक्ट, मतलब प्रोसेस्ड प्रोडक्ट को भी बनाने में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जैम है, जेली है, नेक्टर है, रेडी टू सर्व। द ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन प्रैक्टिस इज यूज टू मेक एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ छुआरा। जो ड्राइंग और डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है वो प्रैक्टिस एक एक्सीलेंट क्वालिटी बनाती है छुआरा की। इससे छुआरा एक बाई प्रोडक्ट बनता है। द उमरान इज एन एक्सीलेंट वेराइटी ऑफ बीर
जो उमरान है वो बहुत एक्सीलेंट वैरायटी है बीर की एंड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वेरी गुड क्वालिटी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट। जो जैम, जेली, नेक्टर और रेडी टू सर्व ये बनते हैं, ये उमरान के बहुत अच्छे बनते हैं। प्रोसेसिंग क्वालिटी में उमरान बहुत लाजवाब वैरायटी है। द ट्री इज प्रिंसिपल होस्ट ऑफ लैक इंसेक्ट्स एंड प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग्स। जो हमारा पौधा है बीर का, वो एक प्रिंसिपल होस्ट है लैक इंसेक्ट के लिए। जो लैक एक इंसेक्ट होता है, लैक कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है लैक, तो वो लैक इस प्लांट पर का प्रिंसिपल होस्ट है। साथ ही साथ इसमें बिल्डिंग पर्पस के लिए बहुत ही कीमती लकड़ी प्राप्त होती है बिल्डिंग पर्पस के लिए। द ट्री इज बींग यूज फॉर बेस्ट लैंड डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन फॉरेस्टी अंडर सोशल फॉरेस्टी एंड इज़ बींग यूज फॉर फॉर्डर हैजिज फेंसेस एंड मेडिशनल पर्पस। जो ट्री है इसका ज़्यादातर इस्तेमाल सॉइल को फर्टाइल बनाने में भी किया जाता है, सोशल फॉरेस्टी के रूप में भी किया जाता है, हैज के रूप में भी किया जाता है, फॉर्डर के रूप में भी किया जाता है, फेंसेस के रूप में भी किया जाता है, मेडिसिनल पर्पस के रूप में भी किया जाता है। मान लो हमारे पास कोई ऐसी सॉइल है जो कि एग्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्टाइल नहीं है, हम वहाँ पर किसी भी तरीके के कोई एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स को नहीं बो सकते, चाहे वो सीरियल्स हो, चाहे वो पल्सेस हो, चाहे वो ऑयल सीड्स हो, चाहे वो शुगर क्रॉप्स हो, चाहे वो कैश क्रॉप हो। एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स को यदि हम उसमें कल्टीवेट नहीं कर सकते, लेकिन हमको कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से उस लैंड को जो कि बिल्कुल बंजर पड़ी है, हमें उसमें कोई ना कोई तो फ़ायदा या मुनाफा चाहिए, उसको कल्टीवेट करना है, तो हम ऐसी कंडीशंस में जो हमारे एरिड फ्रूट्स होते हैं जैसे आंवला हुआ, बेर हुआ, डेट पाम हुआ, इनको हम वहाँ पर लगाते हैं। तो बेर को हम पहली बात जो हमारी अनकल्टीवेटेड सॉइल होती है जो एग्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जीरो हो चुकी होती है, ऐसी कंडीशंस में बेर अपने आप को सर्वाइव करके ऑप्टिमम प्रोडक्शन देता है जो कि कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। साथ ही साथ सोशल फॉरेस्ट्री के लिए भी हम बेर का इस्तेमाल करते हैं। किसी स्थान पर यदि हमें मेड़बंदी करनी हो, मेरे पास तार आर की कोई व्यवस्था ना हो, तो यदि कोई खेत है उसकी बाउंड्री पर हम बेर को लगा सकते हैं, जिससे और जो जानवर खेत में एंट्री करना चाहते हैं वो उस बेर की हैज के कारण खेत में एंट्री नहीं कर पाते। फॉर्डर पर्पज से भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो लीव्स होती हैं वो जानवर बड़ा चाव से खाते हैं और न्यूट्रिटिव भी होती हैं। फेंसेस के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं और क्यूलिनरी एंड मेडिसिनल पर्पस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लीव्स में अच्छी अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जिनका इस्तेमाल एज अ एंटीबायोटिक, एज अ एंटीबैक्टीरियल, एज अ एंटीफंगल किया जाता है। और मेडिसिनल पर्पस में बहुत से ऐसे रिसर्च पेपर्स भी हैं जो कि बेर पर ऐसे निकले हुए हैं, रिसर्च पेपर्स मेडिसिनल पर्पस के लिए। तो हमने बात की न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस की। न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस में हमने सबसे पहले बात की इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की कि इसमें कितना विटामिन, कितनी एसिडिटी, कितना प्रोटीन ये सब पाया जाता है। दोनों को फर्दर कैटेगराइज किया, इंडियन जुजुबी, जिज्फस मॉरिशियाना को, जिज्फस जुजुबी को। ये भी हमने जाना कि जिज्फस जुजुबी में विटामिन सी आंवला और गुआवा से भी ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंस में इसको हम टेबल पर्पस और फ्रेश में भी इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ प्रोसेस्ड प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल करते हैं। जैम जेली हुआ, नेक्टर हुआ, रेडी टू सर्व हुआ। और जैम जेली रेडी टू सर्व को बनाने में कौन सी वैरायटी रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारी उमरान है। साथ ही साथ इसका मेडिसिनल पर्पस में, सोशल फॉरेस्ट्री में, फेंसिंग में, हेज में, इन सब में इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ इसका न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस खत्म होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे आपकी, नेक्स्ट जो वीडियो आपका होगा उसमें हम बीयर के एरिया एंड प्रोडक्शन पर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा बीयर के एरिया एंड प्रोडक्शन पर होगा। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बीयर के एरिया एंड प्रोडक्शन पर बहुत जल्द आपके पास होगा। नमस्कार।